हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिप्रा और आज हमारे साथ हमारे चैनल पे पीसी टैबलेट पे अभिषेक हैं। अभिषेक, आपका स्वागत है। और फिर से हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में, जैसे कि हमने पिछली बार भी की थी। और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सो डेफिनेटली हम कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आप लोगों को ना पता हो, ताकि आपके लिए वो एक वैल्यू ऐड करें। तो अभिषेक, आज का टॉपिक जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो ये है कि शाओमी के फ़ोन्स, जिसमें कि जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत हाई एंड स्पेक्स होते हैं और उसके बावजूद भी वो फ़ोन्स बहुत महंगे नहीं होते, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो शाओमी करती है एज अ कंपनी, और बाकी और कंपनीज उस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं रखती हैं, या फिर शाओमी की वो एक यूनिक स्ट्रैटेजी है। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि शाओमी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं, मेनली ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में आपको वो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं लेकिन अगेन उस प्राइस पे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में ऑनलाइन होने की वजह से वो एक वेबसाइट के थ्रू सेल होता है। तो बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स वगैरह जो होते हैं नॉर्मल फ़ोन की सेलिंग में, जो कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन रखते हैं जिनकी वजह से फ़ोन और महंगा हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती है। और शाओमी आपको एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी जो है अपने फ़ोन पे ऑफ़र कर पाता है इस मॉडल की वजह से, मेरे ख्याल से ये एक वजह है। इसके अलावा और भी वजह है, एक वजह ये भी हो सकती है कि शाओमी जो है कंपोनेंट्स जो है अपने फ़ोन्स के, जैसा कि इंडस्ट्री में सुनने को मिला है कि शाओमी एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने फ़ोन्स के लिए कंपोनेंट बल्क में खरीद लेते हैं, और ऐसे में बल्क में कंपोनेंट्स खरीदने की वजह से हो सकता है कि वो फ़ोन की जो प्राइसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है, और ऐसे में वो कम मार्जिन पे उन फ़ोन्स को लॉन्च कर पाते हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज। अभिषेक, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया पॉइंट्स काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली शाओमी जो है वो अपने फ़ोन्स ऑनलाइन सेल करता है, तो वो के पास एक कॉस्ट सेविंग ऑप्शन है। और जहाँ तक कि लोगों ने देखा होगा, शाओमी अपने जो एडवर्टीजमेंट है वो भी एडवर्टाइज़ नहीं करता है। जैसे टीवी पे आपने शाओमी के एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखे होंगे, या फिर मतलब रेडियो पे या कहीं भी शाओमी के एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते। सो ये मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आप मतलब बचा लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शाओमी एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ऑनलाइन आपको अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एडवर्टीजमेंट करती हुई दिखे, क्योंकि वो उस तरह से वो पैसा बचाते हैं, और कहीं ना कहीं वो कॉस्ट जो वो बचाते हैं उसकी वजह से फ़ोन की कॉस्ट भी जो है बढ़ती नहीं है जैसे कि बाकी और कंपनी के साथ होता है। तो यहाँ पर शाओमी की इस अलग स्ट्रैटेजी की वजह से वो चीज़ जो है हो पाती है। बट अभिषेक, यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि जैसा कि शाओमी किसी सेलिब्रिटी से एंडोर्स नहीं करवाता है अपना प्रोडक्ट, या फिर एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा मनी खर्च नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ट सेलिंग होते हैं। अगर आप नोट 3 की बात करें, रेडमी नोट 3 की, तो वो इंडिया में उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर अगर हम रेडमी नोट 4 की भी बात करें, तो वो भी उनका एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में रेडमी नोट 4 बिक रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे जो एक रीज़न है वो ये भी है, जो उनकी मी कम्युनिटी है वो इसके पीछे काफ़ी अच्छे से काम करती है। मी कम्युनिटी इनके एडवर्टाइजिंग आप कह लो कि वो उसके बारे में, हाँ, फैक्ट्स जो है वो वर्ड स्प्रेड करते हैं और उसके बारे में बस क्रिएट करते हैं, बेसिकली वो प्रोडक्ट के बारे में बस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी मी कम्युनिटी के जो फैंस हैं वो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि इस चीज़ में हेल्प करते हैं। शाओमी ऐसी कंपनी है जो कि अपनी कम्युनिटी के थ्रू अपने फैंस से बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहती हैं, और वो फैंस उनके प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं, तो ऐसे में वो प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। वो आप एक तरह से एडवर्टीजमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है कंपनी का तो आप अपने फ्रेंड को वो सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे में यंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है उनकी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है शाओमी को और मदद मिलती है अपने डिवाइस के सारे की फीचर्स लोगों तक पहुँचाने में। एग्जैक्टली, और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, अभिषेक, जो बाकी इनके प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखें कि जो मी एयर प्योरीफायर है, बाकी जो शाओमी अपने यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो उनके इंडिया में लॉन्च नहीं होते हैं लेकिन चाइनीज़ मार्केट में बहुत अच्छे बिकते हैं, उसकी वजह से भी मुझे लगता है शाओमी जो है वो काफ़ी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बज क्रिएट करती रहती है। और हाँ, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं शाओमी की तरफ से, सिर्फ स्मार्टफोन नहीं होते हैं, जैसे शाओमी का मी एयर प्योरीफायर हो गया, या फिर शाओमी के कोई और डिवाइस जो कि वाटर प्योरीफायर भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते रहते हैं शाओमी की तरफ से, हालांकि वो सारे प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपनी की रेपुटेशन डिफरेंट बना देते हैं। वो शाओमी सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी बन के नहीं रहती है, यहाँ पे शाओमी इनोवेटिव अलग तरह की कंपनी है, वर्सेटाइल आप कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी वर्सेटैलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है अभिषेक, हम काफ़ी हद तक अपने व्यूअर्स को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि शाओमी के फ़ोन सस्ते क्यों होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इनोवेटिव लगा होगा।
और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा ये डिसाइड करने में या फिर ये सोचने में कि शाओमी के फ़ोन्स हाई एंड स्पेक्स होने के बावजूद भी सस्ते क्यों होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपकी क्या राय है, और आप अपनी कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आप पूछना चाहते हैं अगले वीडियो में हमसे, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अभिषेक को आप गैजेट्स टू यूज़ पर फॉलो कर सकते हैं, और पीसी टैबलेट को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे लाल बटन जो बना हुआ है उसे ज़रूर दबाइए। मैं शिप्रा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।